Hi everyone, I welcome you all to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. Guys, my name is Abhishek and I'm the physics faculty here. So in today's video, I'm going to discuss the question paper of physics which was held in 2019 NDA. So let's start without any delay. And here is question number one on the screen. Which light energy escaping from the sun can be spread by? When a light energy which is actually escaping from the sun, how it will spread? So we are having four options: a shower of raindrops, a plane mirror, convex lens, and a combination of convex lens and concave lens. Now see, except the first one, जो पहला option है उसको छोड़ करके बाकी तीनों option odd one out है. तो it's very very obvious जो correct option है, that is the first one. This is the correct option. A shower of rain drop. This is the correct answer. ठीक है. Let's move to question number two. The correct sequence of energy transfer that occurs when an apple fall to the ground. जब एक apple, जब सेब न्यूटन के सर पे गिरा था या न्यूटन के सामने गिरा था, तो energy changes का क्या sequence था? पहली बात, ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो सब में कॉमन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब देखिए जो सेकंड है, बिकॉज द एप्पल इज ट्रेवलिंग थ्रू द एयर, वो एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होगी. यस, एयर रेजिस्टेंस की वजह से देयर इज जनरेशन ऑफ हीट. थर्ड, ऑफकोर्स अगर लेट से जो एप्पल इज फॉलिंग एट अ हाइट ऑफ लेट से 10 मीटर, एप्पल जो है 10 मीटर की हाइट से फॉल कर रहा है, तो जब वो 10 मीटर की हाइट से फॉल कर रहा है और उसे लेट से 3 सेकेंड लग रही है, एवरी सेकेंड इट इज अंडर द एक्सिलरेशन ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हर एक उस पे उसका एक्सिलरेशन 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स बढ़ रहा है. स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी, एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर एप्पल जो है लेट से इट इज ऑफ 5 ग्राम्स, तो स्टिल इट विल हैव एनफ एनर्जी, 45/10, that is approximately 5 joule. उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. और यहां पर मैंने टाइम जो सिर्फ 3 सेकंड लिया, हो सकता है 4 सेकंड लगे, हो सकता है 5 सेकंड लगे. तो सेकंड इज सॉरी थर्ड एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. आफ्टर दैट ऑफ दैट हीट एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट हीट एनर्जी व्हेन इट विल टच द ग्राउंड, तो क्या होगा? देयर इज साउंड एनर्जी. हीट एनर्जी की वजह से साउंड एनर्जी आएगी. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ए. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन चार्ज, एक्चुअली इट्स नॉट चेंज, इट्स चार्ज. इनमें से कौन सी एनर्जी जो है वो चार्ज कर सकती है एक इंसुलेटर को? तो दैट इज बाय फ्रिक्शन. बाय फ्रिक्शन. देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग. चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन. तो फ्रिक्शन इज द ओनली वन, क्योंकि जब हम एक चार्ज बॉडी को, जिसके पास चार्ज अनबैलेंस है, एक अनचार्ज बॉडी के साथ रब करेंगे, रब, when we used to rub it like this, so because of friction there is a heat generation, और जब heat generate होगी तो charge particles को जो है thermal energy मिल जाएगी. कितनी energy मिल जाएगी? 3/2 kT thermal energy. thermal energy मिल जाएगी. जब thermal energy मिलेगी तो charge will get transfer. जो charge donate करेगा वो positive है, जो accept करेगा वो negative है. simple. so that is the thing. तो करेक्ट आंसर यहां पे देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. कंफ्यूज नहीं होना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. एट 20 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है अप्रोक्सीमेटली 5000, उसके बाद लिक्विड में अप्रोक्सीमेटली 1500 एंड एट लास्ट इन एयर 332 मीटर पर सेकेंड. सो वाटर इज अ लिक्विड, सो द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस 1500 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन. बहुत ही आसान सा सवाल है, आप देखिए, यू आर गेटिंग 4 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. सिर्फ टिक लगाना, एक सिंगल वर्ड तक नहीं लिखना है. आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ऑफकोर्स यही होगा, फेरोमैग्नेटिज्म है, इजिली मेल्ट होगा नहीं, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वही होगा 1500. मैं वैसे बता देता हूं जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1538 डिग्री सेल्सियस, इतना होता है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अस कंसीडर अ कॉपर वायर हैविंग रेडियस आर एंड लेंथ एल, लेट इट्स रेजिस्टेंस बी कैपिटल आर इफ द रेडियस ऑफ द कॉपर वायर इज 2R एंड लेंथ इज एल बाई टू, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी. आपके पास सबसे पहले R is rho L upon A. थोड़ा और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, पाई R स्क्वायर, ये होता है हमारे पास पाई R स्क्वायर. अब क्योंकि ये पाई R स्क्वायर है और दूसरे केस में जो वायर की जो रेडियस है वो 2 है, लेंथ है L by 2, लेंथ इज L by 2, एरिया पाई, रेडियस इज 2R स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रो L अपॉन पाई R स्क्वायर 1/2 × 4. तो कितना आ गया आपके पास, ये तो सारा R ही बन गया ना, दिस होल इज R, तो जब ये R है डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आ गया आपके पास R by 8 इज द आंसर. बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, आई होप एवरीबडी नोज इट्स न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन नॉट फ्यूजन, फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन. पॉइंट है कंट्रोल है कि अनकंट्रोल है. देखिए अगर न्यूक्लियर फ्यूजन अनकंट्रोल हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो द करेक्ट वन इज कंट्रोल. अनकंट्रोल में फिर रेडियो एक्टिविटी विल यू नो गेट मर्ज इन टू द एटमोसफेयर और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, कैंसर एंड ऑल, और एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली द अर्थ विल गेट डेवेस्टेटेड, देयर माइट बी अ न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफ, वो भी हो सकता है. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नन अदर देन द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो एक्सप्लेन किया था. फैक्चुअल क्वेश्चन, टू मेटालिक वायर ए एंड बी आर मेड ऑफ यूजिंग कॉपर, द रेडियस ऑफ वायर ए इज आर, द वायलेट्स लेंथ इज एल, अ डीसी वोल्टेज वी इज अप्लाइड अक्रॉस द वायर कॉजिंग पावर डिसिपेशन पी, द रेडियस ऑफ द वायर बी इज 2R एंड इट्स लेंथ इज 2L एंड द सेम डीसी वोल्टेज वी इज अप्लाइड अक्रॉस इट कॉजिंग पावर डिसिपेशन P1. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन. आपके पास दो वायर हैं, वायर ए वायर बी, यहां पर मैं लिख रहा हूं रेडियस, यहां पे मैं लिख रहा हूं लेंथ, यहां पे मैं लिख रहा हूं वोल्टेज, और यहां पे मैं लिख रहा हूं पावर. तो जो वायर ए है उसकी जो रेडियस है वो आर है, लेंथ एल है, रेडियस आर है लेंथ एल है, उसके बाद वोल्टेज वी है पावर पी है, इसकी रेडियस 2R है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2L, वी और P1. तो पावर जो है दैट इज बेसिकली पावर यहां पर होगी वी स्क्वायर अपॉन R. वोल्टेज गिवन है, रेडियस गिवन है, तो पावर इज वी स्क्वायर अपॉन R. जब पावर वी स्क्वायर अपॉन R है तो R को लिखूंगा मैं वी स्क्वायर रो एल अपॉन ए. थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, वी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल. ये तीन चीजें सेम है, इनको छोड़ दो, ये तीन चीजें सेम है, जस्ट लेट देम गो. तो यहां पर पी अपॉन पी वन इज हमारे पास है आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू टू एल अपॉन
2R स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2LR स्क्वायर 4R स्क्वायर L, L से L कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, P अपॉन P1 इज 1 अपॉन 2 और P इज इक्वल टू P1 अपॉन 2, ये आंसर है। विच वन इट इज दिस P1, P इज इक्वल्स टू P1 अपॉन 2, ये हमारे पास आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनोइड। मैं कुछ भी करने से पहले लेट्स हैव द क्विक रिकैप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। किसी सोलेनोइड की वजह से ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, बिल्कुल है, करंट है, बिल्कुल है, डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड, वो नहीं यहां पे है, तो इसका मतलब वन एंड टू ओनली, वन एंड टू ओनली, ऑप्शन डी करेक्ट वन इज दिस, ऑप्शन डी ओनली, यहां पर जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट, वन एंड टू ओनली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एटम, नो अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव, नो टाइम इंटरवल इन ईयर्स, नो वेरी लार्ज डिस्टेंस। दो प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं लाइट ईयर में, तो डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इज 50 सेंटीमीटर, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज 25 देन फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई, ये होता है जी एफ नॉट अपॉन एफ ई, और हाँ हमें आई पीस की फोकल लेंथ निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन आपके पास कितना गिवन है 25 इज इक्वल टू ये कितना है 50 एफ ई, वन टू एफ ई आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, एफ ई की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, जो ऑप्शन सी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। ऑफकोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नॉन सेंट्रल होती है, याद रखेंगे इस बात को, ये नॉन सेंट्रल भी है नॉन कंजर्वेटिव भी है, किसी लाइन के अलोंग नहीं एक्ट करती और ना ही वर्क डन इसके लिए पाथ इंडिपेंडेंट होता है। सपोज देर आर टू प्लैनेट्स वन एंड टू हैविंग द सेम डेंसिटी बट देर रेडियाई आर आर वन एंड आर टू रेस्पेक्टिवली, वेयर आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। अगर आप ग्रेविटी की बात करेंगे, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर वन जो है, जी एम तो छोड़ दो, सपोज दैट सेम डेंसिटी, डेंसिटी सेम होने का मतलब, डेंसिटी सेम होने का मतलब क्या है, आपको इसकी दूसरी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। मास को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी कितनी है रो, जी का फॉर्मूला डेंसिटी की टर्म्स में कुछ ये आता है। अब रो भी सेम है, जी भी सेम है, 4/3 पाई भी सेम है, चेंज है सिर्फ आर में, तो जी वन अपॉन जी टू आर वन अपॉन आर टू, ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, मैक्सिमम बच्चे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और गलत कर बैठेंगे, ये वाला फॉर्मूला दिस इज द मेन, आर वन आर टू से ज्यादा है तो जी वन भी जी टू से ज्यादा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। डेंसिटी की बात हो रही है, मास की बात नहीं हो रही है, पहले बता देता हूं। द सन इज सीन लिटिल बिफोर इट राइजेज एंड फॉर अ शॉर्ट वाइल आफ्टर इट सेट, दिस इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When sun is at the horizon, the sunlight has to travel a larger distance so that there is a suitable refraction. So that's why this happens. So this is
एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। द फिगर शोन अबव गिव्स द टाइम वर्सेस पोजिशन ग्राफ, थ्री ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देयर स्पीड वी ए वी बी वी सी रेस्पेक्टिवली एट एन इंस्टेंट। आपको पोजिशन टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है जी, थोड़ा बना लेते हैं। टाइम पोजिशन ग्राफ गिवन है, एक्चुअली टाइम पोजिशन ये मुझे तीन पॉइंट्स गिवन है, सी बी ए। अब यहां पर पहली बात मैं आपको बता दूं, जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, और स्लोप आप कैसे निकालते हैं, एम टेन थीटा, थीटा जो है वो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस के साथ, तो सबसे कम सी के लिए, फिर बी के लिए, फिर ए के लिए, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी ए की होगी, फिर बी की होगी, फिर सी की होगी। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, वी ए ग्रेटर देन। ध्यान से देख लीजिए, टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस है, उल्टा मत कर देना, पहले वाला मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, दिस इज नॉट द करेक्ट वन, ग्राफ उल्टा है, एक्स टी ग्राफ नहीं है, टी एक्स ग्राफ है, दैट्स वाई। नेक्स्ट, वन डाइन अ यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजे सिस्टम इज इक्वल्स टू, देखिए फोर्स की दो यूनिट होती है, एक सीजे से एक एसआई, एसआई में फोर्स इज न्यूटन, सीजीएस के अंदर डाइन, तो वन न्यूटन इज वन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वन डाइन इज इक्वल टू वन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों में कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, इन दोनों में कन्वर्जन फैक्टर होता है 10 की पावर 5। अब इसमें देखो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डाइन तो खुद यही होता है, या तो ये होगा ही तो होगा। अब डाइन पूछ रहे हैं, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में एक्सप्रेस करने की बात हो रही है, तो ये आएगा डी, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एक्सेलरेट डी एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेट जिसमें स्लोप पॉजिटिव हो। स्लोप को चेक कैसे करते हैं, आप उसका एंगल देख लीजिए, आप उसका एंगल देख लीजिए, थीटा वन ग्रेटर देन 90 है, टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है जब ग्रेटर देन 90 हो, थीटा टू लेस देन 90 है, तो टेन ऑफ थीटा टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जब टेन थीटा टू पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेटेड है, डी एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड इज सी डी, डी एक्सेलरेटेड इज ए बी, एक्सेलरेटेड इज सी डी, डी एक्सेलरेटेड इज ए बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क एक ऐसा डिवाइस होता है जो हॉट लिक्विड या हॉट बॉडी को हॉट रखता है, कोल्ड को कोल्ड रखता है, इस चीज के लिए जो वॉल्स हैं दैट शुड बी इंसुलेटेड, ऐसा वो हीट एब्जॉर्ब या रेडिएट नहीं करेंगी, तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है, विच वन ऑफ द नॉट करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं, इसमें से सी नहीं करेक्ट है, सी वन इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट नहीं है, सी वन इज नॉट करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक होल इज अ, देखिए जब एक स्टार कोलैप्स करता है, सो पहला वर्ड कोलैप्स, कीवर्ड कोलैप्स, ये अपने यहां पे नहीं है, जब एक स्टार कोलैप्स करता है अपनी ही ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटी की वजह से, सो दैट उससे कुछ भी एस्केप ना करें, तब वो एक ब्लैक होल बनता है, तो दिस वन ऑप्शन सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगा, सो दैट नथिंग कुड यू नो एस्केप फ्रॉम दैट, तो ऑप्शन सी। द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन फारेनहाइट एंड सेल्सियस इज, जब हम किसी भी टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो कुछ ऐसा आता है, टी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। सेल्सियस के लिए सी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, 100 डिग्री माइनस 0। फारेनहाइट के लिए एफ फ्रीजिंग पॉइंट 32, 212 माइनस 32। अब हमें चाहिए किसके लिए,
फारेनहाइट को एक्सप्रेस करना है तो सी अपॉन 100 एफ माइनस 32 अपॉन 180 कैंसिल 5 9 ये बन गया तुम्हारे पास सी अपॉन 5 एफ माइनस 32 एफ इज इक्वल टू 32 प्लस सॉरी अपॉन 9 भी तो है 9 अपॉन 5 1.8 सी कंपेयर कर लो जी क्या वैल्यू आई है एक्स की वैल्यू क्या आई है 32 इज द वैल्यू दिस इज द आंसर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ लाइट बीम दैट डेविएट द लीस्ट सबसे कम डेविएशन उसकी होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी सबसे ज्यादा वेवलेंथ ऑफ कोर्स रेड कलर तो रेड कलर सबसे कम डेविएट करेगा सबसे ज्यादा डेविएट करेगा वॉयलेट इसका आंसर आएगा बी लीगो स्टैंड्स फॉर एक ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने की एक ऑब्जर्वेटरी है जो लुजानिया होता है वहां पे है एंड इट्स फुल फॉर्म इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव यस लुजानिया लिविंगस्टन कुछ ऐसा करके जगह है वहां पे दिस वन अ फ्यूज्ड वायर मस्ट बी कंडक्टिंग होना चाहिए ताकि करंट पास करे और मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए जैसे एक्सेसिव करंट पास करेगा वो मेल्ट हो जाएगा जैसे एक्सेसिव करंट पास करेगा वो मेल्ट हो जाएगा तो कंडक्टिंग एंड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट दैट्स इट इन दिस वीडियो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे अगर आप चाहते हैं और वीडियो ऐसे आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी तब तक पढ़ाई करते रहिए थैंक यू सो मच जय